स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पर। दोस्तों, मुद्दे अनेक हैं और टाइम बहुत कम, इसलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने चुनाव लड़ने का प्रोसेस। जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस होता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से ग्राम प्रधान चुनाव लड़ सकते हैं। माध्यम से आप लोगों को नई नई योजनाओं से रूबरू कराते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चुनाव यानी ग्राम पंचायत चुनाव का समय आ चुका है। दोस्तों, इस प्रधान चुनाव को लड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों टेक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो आपके बीच में हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा। दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। साथ ही दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ दूसरा, यानी यहाँ पे हम बात करने वाले दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वोटर कार्ड। दोस्तों, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो भी आप इसके लिए सक्षम हैं, अन्यथा आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ खास बातें। जो आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड आपको मैंने बताया, इसमें आपका दोनों नाम आपका सेम होना चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और साथ ही दोस्तों, बात करें तीसरा डॉक्यूमेंट्स का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैन कार्ड दर्शाया गया है कि हमें तीसरे डॉक्यूमेंट्स यानी हमें तीसरे डॉक्यूमेंट्स में हमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आप अभी तक पैन कार्ड को ऑनलाइन नहीं किया है, बनवाया नहीं है, तो आपको एक पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, पैन कार्ड बनवाने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे अगला स्टेप यानी चौथा है जो कि बहुत अहम चीज़ है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, दोस्तों ये है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों आपको ऑनलाइन तरीके से हुआ, आप थाने से भी अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ये पहले प्रधान चुनाव लड़ने के लिए ये कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट्स लगता था, यानी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता था। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष में ये वाले ऑप्शन को, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, अब आपको देना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगले ऑप्शन का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि मूल निवास, यानी कि आपके पास यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, हम इन्हें यहाँ पे पांचवा के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र बता कि आपको पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपको अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन किया कराया है तो आपको करवा लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, आप अभी तक पैन कार्ड नहीं बना, पैन कार्ड बनवा लीजिए। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने वोटर कार्ड नहीं बनाया तो आपको वोटर कार्ड बनवा लेना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर बात करें, यहाँ पे छठवां प्रमाण पत्र आपको बताया गया है, यहाँ पे संपत्ति का घोषणा पत्र हुआ जिसमें चल अचल संपत्ति का आपको विवरण हो। दोस्तों, ये आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा, आपको ये तहसील से बनवा लेना चाहिए। दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको प्रधानी लड़ना है चुनाव के लिए। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम बात करें अगले ऑप्शन की, जैसा कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपको बनवाना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें, देखिए अब यहाँ पे अब अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं, यानी अगला डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या लगने वाला है। दोस्तों, हमारा अगला डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जाति प्रमाण पत्र, वो भी ऑनलाइन तरीके से। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र उन लोगों को देना होगा जो आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर दोस्तों आप सामान्य होकर, अगर आप सामान्य सीट आई हुई है, अगर आप सामान्य से, यानी आप सामान्य हो तो आप चुनाव लड़ रहे हो, तो दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर अन्य कोई जाति यानी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, जो भी आप यहाँ पे लड़ रहे हैं, जिनका जो भी यार सीट आई हुई है, दोस्तों आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से आपको बनवा लेना चाहिए। यानी कि आय जाति निवास आपको साइबर कैफे, यानी जो आपके पास यहाँ पर जन सेवा केंद्र की दुकान होगी, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑनलाइन करवा के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र यानी जाति आय निवास आपको एक साथ बनवा लेना चाहिए। कहाँ भी आय का भी आवश्यकता पड़ सकती है, आपको बनवा के रेडी हो ले, मतलब रेडी कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जमानत राशि आपको कुछ देनी होगी, जो भी आपका जमानत राशि होगी तो आपके अपने पद के अनुसार यहाँ पे जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे नवा ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र तहसील से आपको तुरंत वहाँ पे बन जाएगा। यह सब डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, यानी कि अगर आप इस चुनाव में संबंधित यानी लड़ना चाहते हैं या फिर आप जिससे इंटरेस्ट हैं, तो दोस्तों आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगना जरूरी है। और दोस्तों, अगला ऑप्शन यहाँ पे दसवां, जो कि यहाँ पे शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है, आपको उस योग्यता का जो भी आपका प्रमाण पत्र आपके पास है वहाँ पर आपको देना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया 11वां ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, नाम निर्देश पत्र प्रारूप नंबर 4। दोस्तों, आपको प्रारूप नंबर 4 कैसे डाउनलोड करना है, आगे की वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगला ऑप्शन, यानी अगला डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 52 में ₹50 की स्टैंप पर शपथ पत्र को नोटरी में प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। ये सब दस्तावेज आपके पास होने बहुत जरूरी है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात करें 13वां ऑप्शन, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको आयु प्रमाण पत्र, यानी कि
आपको आयु प्रमाण पत्र आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आप 21 वर्ष के हैं। अगर दोस्तों आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं लगाते हो तो यहाँ आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप 21 वर्ष के हैं या अन्यथा नहीं हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको आयु प्रमाण पत्र यानी कि आप अपना आधार भी अगर मान्य होता है तो लगा सकते हो, पैन कार्ड भी लगा सकते हो और कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें आप अपना आयु को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि हम 21 वर्ष के हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करें अगला ऑप्शन तो यहाँ देख सकते हैं 14वां पंचायत समिति या जिला परिषद में NOC। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल कंप्लीट रखना होगा। तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन के। यहाँ पर देखते था कि मैंने आपको एक लिंक बताया था, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो इस वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। नालंदा जिला किराए पर सुराय प्रखंड के मुखिया पद के अनारक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची आप यहां देख सकते हैं। आ जाएगा हमारा फॉर्म। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको फॉर्म नंबर 1 मिल जाएगा और यहां पे फॉर्म नंबर 2 मिल जाएगा और यहां पर आपको फॉर्म नंबर 3 मिल जाएगा और साथ ही आपको यहां फॉर्म नंबर 4 भी यहां पर आपको मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों यहां पे फॉर्म नंबर 6 भी आपको मिल जाता है और फॉर्म नंबर यहां पे 7 भी मिल जाएगा और अगला आप यहाँ पे 8 भी मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म नंबर आपको 8 भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा, जो आपके आवश्यकता मात्र होगा वही फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। इसी प्रकार से जो भी है आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो आपके बीच हम प्रोवाइड करते रहते हैं, नई नई योजनाओं से नई नई जानकारियों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।